शिमला के समर हिल में भारी लैंडस्लाइड चपेट में आया शिव मंदिर, पूजा कर रहे काफी लोगों के दबने की आशंका, अभी तक निकाले गए 5 शव। धर्मशाला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपदा से प्रदेश में जान माल की क्षति, केंद्र सरकार ने 2 किस्तों में जारी किए 364 करोड़ रुपए। शिमला के वार्ड फागली के लाल कोठी में हुई लैंडस्लाइड हादसे में ढह गए कच्चे मकान, सीएम ने राहत और बचाव कार्य को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कुल्लू में शक्ति सुपर सी अभियान के तहत पहल, 15 अगस्त को देश की बेटियां करेंगी ध्वजारोहण। और हिमाचल के प्रदेश पहाड़ी राज्य में कुदरत का चंडी अवतार, लैंडस्लाइड से कई रास्ते हुए बाधित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून जमकर कहर बरपा रहा है, वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुबह सबर हिल स्थित शिव मंदिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जहां आपको बता दें कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और तभी अचानक से लैंडस्लाइड हुई और मंदिर पूरे तरीके से ढह गया। जानकारी के मुताबिक इस लैंडस्लाइड की चपेट में 20 से ज्यादा भक्त इस मंदिर के मलबे में दब गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, आर्मी, एनडीआरएफ मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में जुट गए। अभी तक 5 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के निर्देश दिए हैं। अभी लोग दबे हुए हैं, मैंने इसीलिए बोला कि जो भी मेरी सिक्योरिटी में सब पुलिस वाले एक एक पत्थर भी उठा के फेंकेंगे तो 5-6 जाने हमारी बच सकती है। मंदिर में कितने लोग दबे हैं, सोमवार था, शिवलिंग का को शिवजी को पानी चढ़ाने सुबह 7 लोग काफी लोग आए हुए थे, और अभी मुझे यह कि फटाफट ये जो मलबा है ये निकले। और आप देख रहे हैं, और इस बार की आपदा ने जो कहर बरसाया है उसमें काफी जिंदगियों को हमसे छीन कर ले गई है। 5 शवों को निकाल लिया गया है और बाकी जितने दबे हुए हैं उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उस मलबे में दबे हुए लोगों, हमारी ये कोशिश है कि कोई जिंदगी बच जाए। धर्मशाला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि सिविल प्रदेश में इस बार भारी बरसात और बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश में जानमाल की क्षति हुई है। आज तक के बहुत लंबे इतिहास के बाद अगर कोई क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है तो वह अप्रत्याशित है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि बीते कल से पूरे हिमाचल प्रदेश में फिर से त्रासदी का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उन्हें लगातार फोन के माध्यम से प्रदेश में हो रही तबाही की सूचना मिल रही है, जिसमें बहुत बड़े जानमाल के नुकसान की भी जानकारी उनके पास पहुंची है। और इसके साथ जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी सत्ता में नहीं है बल्कि विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस त्रासदी में बीजेपी लोगों तक मदद पहुंचा सके इसके प्रयास किए जा रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी इस त्रासदी के इस दौर में हम लोगों के लिए मदद कर सकें, यह प्रदेश सबका है, किसी दल का नहीं है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से संभव हो पाया है, हमने सरकार को भी मदद करने की कोशिश की है, सहयोग देने की कोशिश की है, और इसके अतिरिक्त जहां जहां लोगों की जिंदगी संकट में फंसी थी उस दौर में भी लोगों की जिंदगी बचाने में भी और राहत कार्य में भी सहयोग देने की कोशिश की है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान 364 करोड़ रुपए 2 किस्तों के रूप में जारी कर दिया, एडवांस में जारी कर दिया राहत,
पिछले 24 घंटे में प्रदेश में बारिश से हो रहे लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना के चलते भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं। ऐसे में मौत की संख्या भी लगातार बढ़ सकती है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश भर में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और प्रदेश में 24 घंटों की वर्षा ने कहर बरपाया है। वहीं आपको बता दें कि इस नुकसान को देखते हुए कल 15 अगस्त को प्रदेश भर में होने वाले आयोजनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन न करने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 24 घंटे की बारिश ने इतना कहर बरपाया है जिससे संभावना ऐसी लग रही है कि पिछले पूरे हिमाचल प्रदेश के, जब मैं गाड़ी में बैठा था, नेशनल हाईवे भी अवरुद्ध है। उसका 15 अगस्त जो होगा उसको, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पर्व है, हमें गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने वाले लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और झंडा फहराएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। शिमला के फागली बोर्ड के लालकोटी में भी लैंडस्लाइड की वजह से 15 कच्चे मकान ढह गए। आपको बता दें कि जहां 30 से ज्यादा लोग इसके चपेट में आ गए हैं और 15 लोगों के दबे होने की भी संभावना है। मौके पर पुलिस और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और अभी तक 5 शवों को बरामद कर लिया गया है। बाकी लोगों का रेस्क्यू भी लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा घटनास्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्य को युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहर भर में स्थिति बेहद ही खराब है और जिसको लेकर लगातार हो रही बारिश ने सरकार और प्रशासन की परेशानी और भी बढ़ा दी है। भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में सुपर शक्ति श्री कार्यक्रम की शुरुआत की और यह कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रदेश स्तर, जिला और विधानसभा स्तर पर महिला सशक्तिकरण की झलकियां दिखाई पड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि हर स्तर पर महिलाएं युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने हक और हिस्सेदारी के लिए ध्वजारोहण करेंगी। वहीं युवा कांग्रेस के सदस्य करण देव बोध ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के चलते उन्हें दबाने और आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी असमानता को दूर करने के लिए युवा कांग्रेस ने सुपर शक्ति श्री कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि देश की हर महिला अपने हक और हिस्सेदारी के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहे। युवा कांग्रेस के कर्मठ प्रदेशाध्यक्ष श्री निगम भंडारी जी के आदेशानुसार हमने जो ये सुपर शक्ति श्री कार्यक्रम के प्रति जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अब प्रदेश में हर जिला में, हर विधानसभा में महिलाएं ध्वजारोहण कर झांकियां प्रस्तुत करें। सोलन जिले के तहत आने वाली तोपकी बेट पंचायत और डेबड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने आज उनकी पंचायत के क्षेत्रों में लगी रेत की खदानों का विरोध किया और इस दौरान खनन अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। मैं आपको बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार रेत की खदान चलने से उनके गांव तबाह हो रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों को हर समय भय का माहौल बना रहता है। वो खान की वजह से है जो हमारे खेत सारे खराब हो गए, बच्चे बेरोजगार फिरे हुए और अब हमारी सरकार से ये प्रार्थना है भी हमारे लिए कुछ मदद करो। क्या मदद चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारे को डंगर माल की सेफ्टी चाहिए, बच्चों की सेफ्टी, हमारे बच्चों की। रात को वही छोटे छोटे बच्चे लेके गोद में बैठी रहती। पूरी जनता हमारे साथ आई हुई जी, पूरे चाकड़ी गांव की, और ऊपर से पहाड़ कटने लगे हुए खान की वजह से, जिसे हमारे खेत और बच्चे सेफ्टी में नहीं है, डंगर वगैरह सब, और हमारे इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जो आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर आज हमारे पास माइनिंग ऑफिस से माइनिंग ऑफिसर आए हैं जो हमारे बीच में हैं। हमारी ग्राम सभा
17/7/2023 को हुई थी, उस ग्राम सभा में ग्रामवासियों ने अपने मुद्दे हमारे सामने रखे और आज उनके बीच में जो खतरा बना हुआ है इस माइनिंग के चलते हुए, उस विषय में उन्होंने हमसे बात की। तो उनका कहना ग्रामवासियों का यही है कि इस माइनिंग को बंद किया जाए। यहाँ जो एक बेल्ट जाती है, क्रोल बेल्ट यहाँ पर ड्योठी में स्पेशली, तो उसमें कुछ क्रैक्स आ रहे हैं अपर एरियाज में। लोगों का अप्रीहेंशन है कि यहाँ क्रैक्स आ रहे हैं, उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, तो उस चीज को मैं एनालाइज करने आया था यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में इंद्र भगवान बेसब्री से बरस रहे हैं और इस आपदा में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड हो रहा है, नदी नाले उफान पर है, जिससे कि संपर्क रोड बिजली पानी बाधित हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन व विभाग कड़ी मशक्कत के साथ दिन रात बचाव कार्य के लिए तत्पर है और इस भयंकर आपदा से जहां किसानों और बागवानों की फसलें भी नष्ट हुई हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत सांगदाहा के गांव सिहू में ग्रामीणों ने इसे लिंक रोड को सही करने का बेड़ा उठाया है, जो लिंक रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद हो गई थी। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत संगड़ा है, गांव वार्ड सिंह में है, आज सड़क का जन सहयोग, यहाँ के जितने भी नौजवान है सिंह कांडवा कुंटी के, इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य किया है, जिसमें डंगे की व्यवस्था सुचारू रूप से की है। आज मिलजुल कर गाँव निवासियों ने यहाँ पर डंगे का निर्माण किया है और साथ साथ जो हमारे भूस्खलन रोकने के लिए शमाड़ू और एंड की जो नालागढ़ के राम शहर मार्ग पर दो सगे भाइयों के डबल मर्डर का मामला 3 दिन में सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को जिला बद्दी पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने डबल मर्डर मामले में प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसडीपी लखवीर सिंह और थाना प्रभारी कुलदीप सिंह की पीठ थपथपाते हुए कहा कि टीम ने मात्र 72 घंटों में कत्ल में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बेटी ने रात में आकर पुलिस को लीड दी, जिसके आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पुलिस कातिलों तक पहुंची। एक अग्रसर इंडस्ट्रियल यूनिट है, इसकी ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान है। नक्रम सामने आया नालागढ़ में 10 तारीख को, जब जलंधर से कुछ 2 युवक और उन्हीं के कोई नोन 3 युवकों ने उनके ऊपर अटैक किया एंड अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम्स कम टू इंजरीज। मैं इसमें बताना चाहूँगा हमारी 3 टीम जिसमें काम कर रही थी और कल शाम को उन 3 युवकों को हिमाचल पुलिस की टीम ने अमृतसर पुलिस की टीम के साथ अमृतसर से हरमंदिर साहब के पास से नैप कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।